Guys, let's discuss economics very first chapter, which is about development. Before we start with our chapter, I hope everybody is doing good and are safe at their place. Okay, आज हम economics का पहला chapter शुरू करेंगे जो कि development के बारे में है, या इसे हम हिंदी में बोलते हैं विकास. Okay, first before we start this chapter, you need to understand what is economics. 10th class में आपको बस इतने समझने की जरूरत है कि economics एक ऐसा subject है जो कि स्कार्स रिसोर्स के मैनेजमेंट से डील करता है. ओके, इसको मैं और फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज क्या होते हैं, संसाधन, बहुत कम है, और हमारे जो ह्यूमन वांट है वो अनलिमिटेड है, ठीक है ना. तो उनके रिलेशन में अगर बात करें, रिसोर्स इज स्कार्स इन रिलेशन टू आवर वांट, ठीक है ना. संसाधन बहुत कम है हमारी जरूरतों के हिसाब से, तो इसलिए हमें उनको देखकर यूज करना पड़ता है. सो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट ऑफ दिस स्कार्स रिसोर्सेज. ओके, नाउ मूविंग अहेड टू द वेरी फर्स्ट चैप्टर विच इज ऑल अबाउट डेवलपमेंट, या हिंदी में इसको बोलेंगे विकास, ठीक है. आज हम पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट क्या होती है और उसके प्रस्पेक्टिव. डेवलपमेंट हर इंसान के लिए अलग रहती है, ठीक है ना. मेरे लिए कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, मेरे लिए विकास कुछ और होगा और तुम्हारे लिए कुछ और होगा, ठीक है ना. हम डिस्कस करेंगे कैसे, इसके इंडिकेटर्स क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको, जिससे पता चलता है कि कोई भी कंट्री या नेशन हमारे डेवलप्ड है, लेस डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, डेवलपिंग है. तो ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, और ये सारे इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से पता चलती है किसी भी कंट्री के बारे में, कि वो एक डेवलप्ड नेशन है, अंडर डेवलप्ड है, कि डेवलपिंग है. ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें देते हैं इंटरनेशनल बॉडी या जो इंस्टीट्यूट्स हैं, तो उनके बारे में ही पढ़ेंगे कि इंफॉर्मेशन आती कहाँ से है और किन फैक्टर के बेसिस पे ये इवैल्यूएट करते हैं कि कौन सी कंट्री में कितनी डेवलपमेंट है. ओके, नाउ मूविंग टू द वर्ड डेवलपमेंट. डेवलपमेंट या विकास, अभी बताया हर इंसान के लिए इसका प्रस्पेक्टिव अलग हो सकता है, ठीक है. तो हम इसको, इस वर्ड को डिवाइड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं इसकी मीनिंग क्या है, विकास होता क्या है, ठीक है. अगर हम जनरल वर्ड्स में बात करें, व्हाट इज डेवलपमेंट फॉर एन इंडिविजुअल, मेरे लिए डेवलपमेंट क्या है, तुम्हारे लिए डेवलपमेंट क्या है, क्या अभी किसी एक इंसान के लिए विकास का मीनिंग क्या है, ठीक है ना. तो उसको हम समराइज कर सकते हैं, डेवलपमेंट मीन्स इंडिविजुअल एस्पिरेशंस और डिजायर्स, ठीक है भाई. हम क्या चाहते हैं, हम क्या सोचते हैं कि मुझे ऐसा करना है, उसको हम टर्म कर सकते हैं डेवलपमेंट. ओके भाई, जैसे कि मैं हूँ, मैं पहले स्कूल में पढ़ रही थी, ठीक है. अब मैंने ग्रेजुएशन कर ली अपनी, तो अगर मैं पास्ट में देखूँ तो स्कूल से निकल के मैं ग्रेजुएशन तक पहुँची हूँ, तो मेरी डेवलपमेंट हुई है, मैंने विकास किया है, ठीक है. और कल तक मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करके कोई अच्छी गवर्नमेंट जॉब पे लग जाती हूँ, तो मैंने और विकास किया है, ठीक है. अब जॉब पे लगने के बाद मेरा एम, मेरी डिजायर, मेरी एस्पिरेशन कुछ और होगी, अब मुझे और अच्छा कुछ करना है लाइफ में. देयरफॉर जो विकास की डेफिनेशन है, इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, ठीक है ना. नाउ जब हम बात करते हैं किसी भी कंट्री या नेशन की, उनके उस कंट्री या नेशन के लिए डेवलपमेंट या विकास का कॉन्सेप्ट क्या है, उनके लिए होगा जैसे आइडियाज लाइक लिविंग टुगेदर. कैसे इतने डिफरेंट डिफरेंट लोग आके एक साथ, एक नेशन के अंदर कितनी पॉपुलेशन है, तो उस पॉपुलेशन को साथ रहना है. ओके, द आइडियाज लाइक लिविंग टुगेदर, इक्वालिटी के बारे में सोचेंगे, उनके गोल्स और एस्पिरेशन क्या होंगे, कि उनकी जो कंट्री है, नेशन है, ज़्यादा डेवलप करे, ज़्यादा एडवांस हो, यूनिटी बनी रहे उनमें, एसेंशियल थिंग्स क्या है किसी भी नेशन में एग्जिस्ट करने के लिए, वो सब चीज़ें वहाँ हों. तो सिमिलरली मेनी मोर थिंग्स, वो क्या होगी, वो एक कंट्री के डेवलपमेंट को डिस्क्राइब करती है. ओके, जैसे मैंने बताया, डेवलपमेंट हर किसी के लिए अलग है. जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ, अभी एग्जांपल्स दी हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि डेवलपमेंट का प्रस्पेक्टिव फॉर एवरी इंडिविजुअल अलग क्यों है, ठीक है. एग्जाम्पल लिया है हमने पहले रिच और पुअर का. कोई इंसान रिच है और कोई एक बहुत पुअर है, उनका दोनों का डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो अलग रहेगा. जैसे कि एक गरीब इंसान है, पुअर है, वो सोचेगा उसको ज़्यादा वेजेस मिले, ज़्यादा काम करने के दिन मिले जिससे वो ज़्यादा वेजेस कमा सके, एक्सेट्रा, बहुत सारी अच्छी फैसिलिटीज़ मिले लाइफ में, एक नॉर्मल लाइफ जी पाए. तो दिस आर द एस्पिरेशन गोल्स ऑफ अ पुअर मैन, ओके, विच विल कंप्राइज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट फॉर हिम.
लेकिन जब हम बात करेंगे किसी भी अमीर आदमी की, उसके लिए कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या है, उसको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, न्यू टेक्निक्स उसको यूज़ करनी है, जिस पोजीशन पे आज वो है उससे बेटर पोजीशन उसको अचीव करनी है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल उसको नंबर वन बनना है इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, तो हर उस इसके लिए क्या इसकी डेवलपमेंट के गोल्स और पुअर वाले इंसान के डेवलपमेंट गोल्स सेम है? नो। देयरफॉर डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव फॉर एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। ओके, और एग्जाम्पल मैंने दिया है, जैसे एक गर्ल है फैमिली में और एक बॉय है, तो गर्ल क्या चाहेगी, मुझे भी उतना ही फ्रीडम मिले जितना मेरे भाई को मिलता है। लेकिन वो अगर वो लड़का है वो क्या चाहेगा कि जितना फ्रीडम अभी उसको मिल रहा है उससे ज़्यादा उसको कुछ मिले, ठीक है ना। तो देयरफॉर यहाँ भी इनकी डेवलपमेंट के कंसेप्ट अलग है। ओके, गोल्स एंड एस्पिरेशन दोनों के अलग है। एंड वेन वी टॉक अबाउट इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्री वाले हैं, अब उनकी बात करते हैं, उनको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ताकि उनकी फैक्ट्रीज वगैरह चल सके, उनकी इंडस्ट्रीज काम कर सके, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें डैम्स चाहिए। डैम्स क्या करते हैं, हमारे पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्प करते हैं। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स लगाएंगे तो डैम्स लगाने के लिए हमें ज़मीन चाहिए, लैंड चाहिए। लैंड अगर लेंगे हम तो वहाँ से जो ट्राइबल पीपल हैं, जो लोकल पीपल हैं, उनको निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेस करना पड़ेगा। देयरफॉर आई होप दिस मेनी एग्जांपल्स आर इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। व्हाई? बिकॉज ऑफ डिफरेंट एस्पिरेशन और डिफरेंट गोल्स। ओके, सो फ्रॉम अबव एग्जांपल हमें दो चीज़ें क्लियर हुई हैं। नंबर वन, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। हर इंसान के लिए गोल या एस्पिरेशन या डेवलपमेंट या मीनिंग ऑफ विकास इज डिफरेंट, ठीक है। देयरफॉर उनके डेवलपमेंट गोल्स भी अलग हैं। अबव एग्जांपल से हमें यही पता चला है। सेकेंडली हमें ये बात पता चली है, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर दी अदर्स, इट मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर्स। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्राइबल पीपल में, इंडस्ट्रियलिस्ट को ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, देयरफॉर ज़्यादा डैम बिल्ड करेंगे। ओके, डैम्स के लिए लैंड चाहिए, लैंड कहाँ से आएगी, ट्राइबल पीपल को डिस्प्लेस करना पड़ेगा। देयरफॉर जो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए डेवलपमेंट थी वो ट्राइबल पीपल के लिए एक डिस्ट्रक्शन थी, ठीक है ना, उनको अपनी ज़मीन छोड़ के जाना पड़ा। देयरफॉर आई होप टू इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट डेवलपमेंट इज क्लियर टू यू, दैट डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स एंड व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द सेम फॉर अदर। एंड देन विल सी, वी हैव सीन व्हाट पीपल डिजायर, सब एक ही कॉमन चीज की बात करते हैं, ठीक है, डिजायर उनकी, उनको बेटर जॉब्स चाहिए, बेटर वेजेस चाहिए, डिसेंट प्राइस चाहिए, एक्सेट्रा। एवरी थिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड वन कॉमन थिंग, क्या है वो है इनकम। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट इनकम, इनकम इज ऑल अबाउट मटेरियलिस्टिक थिंग्स, जिससे हम कुछ चीजें खरीद सकते हैं। ओके, तो मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट के बारे में तो हम बात करेंगे, और डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट इनकम। ओके, एंड सिर्फ एक मटेरियलिस्टिक थिंग्स ही थोड़ा है जो हमारी डेवलपमेंट को डिफाइन करती है। पीपल ऑल्सो नीड फ्रीडम, इक्वालिटी, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, तो दीज आर समथिंग विच इज डिफाइंड एज गोल्स, और जिनको हम नॉन मटेरियल थिंग्स बोलते हैं, नॉन मटेरियलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट बोलेंगे। गाइज, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, यू गाइज नीड टू लिसन टू इट वेरी केयरफुली। ओके, जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिस्टिक कंसेप्ट, इसको मेजर किया जा सकता है, ट्रू, यस, हम मेजर कर सकते हैं। बट वेन वी से नॉन मटेरियलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट कैनॉट बी मेजर्ड, नॉन मटेरियलिस्टिक कंसेप्ट के अंदर क्या आएंगे, हमारे गोल्स लाइक फ्रीडम, इक्वालिटी, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, अगर हम उन्हें बोले कि इनको मेजर नहीं किया जा सकता, देयरफॉर इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, गलत है ये बात, ठीक है ना, इनको भी मेजर किया जा सकता है। ओके, सो अगर आए आपके एग्जाम में स्टेटमेंट आए जैसे कि assertion एंड रीजन के आते हैं questions, तो उसके अंदर ये probable question बन सकता है तुम्हारा कि जो materialistic concept है income, जैसे ये तो measure किए जा सकते हैं, लेकिन जो non materialistic concept of development है, जैसे goals हैं हमारे like respect, freedom, security, ये सब चीज़ें measure नहीं की जा सकती, is it true or false, तो आप बोलोगे statement is true but second statement is false, क्योंकि non development goals जो है हमारे, sorry, goals जो है वो भी डेवलपमेंट का पार्ट है, एंड ऑल्सो दे कैन बी मेजर्ड। ओके, नाउ मूविंग टू द एग्जाम्पल, आई हैव गिवन टू एग्जाम्पल हियर, जॉब वन एंड जॉब टू। ओके,
फॉर एग्जाम्पल जॉब वन में जैसे मैं हूँ, मेरे पास दो ऑफर आए जॉब वन और टू के, तो मुझे पहली जॉब ऑफर करती है बहुत ज़्यादा इनकम, लेकिन मेरी अदर फैसिलिटीज़ नहीं है, अदर फैसिलिटीज़ लाइक मेरे को अकोमोडेशन नहीं देंगे वो, मैं अपनी फैमिली को अपने साथ ला के नहीं रख सकती हूँ, दूर दूर मुझे जाके काम करना पड़ रहा है, ठीक है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है भाई, आज अगर मेरे पास ये जॉब है तो मुझे कल भी यही जॉब मिलेगी, कोई गारंटी नहीं है मैं कंटिन्यू करूँगी फ्यूचर में कि नहीं करूँगी, तो सिक्योरिटी नहीं है यहाँ, मुझे कोई टाइम नहीं मिलता अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जॉब वन का क्राइटेरिया। जब मैं मनी की बात करती हूँ, इनकम की बात करती हूँ, ये क्या है, मटेरियलिस्टिक गोल ऑफ हमारा डेवलपमेंट है। मनी ज़्यादा है तो क्या मैं सिर्फ मनी के लिए यहाँ रुकूंगी, जबकि अदर चीज़ें मुझे नहीं मिल रही, विच आर माई गोल्स, जो मुझे चाहिए साथ में विद मनी, ठीक है। तो ये गोल्स, ये जो नॉन मटेरियलिस्टिक मेरे गोल्स हैं वो यहाँ मेरे नहीं फुलफिल हो रहे हैं, तो मैं जॉब टू को कंसिडर करूँगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इनकम चाहे ज़्यादा ना है पर डिसेंट इनकम है, मतलब ऐसी इनकम जिससे मैं गुजारा कर सकती हूँ, ठीक है। अदर फैसिलिटीज़ लाइक अकोमोडेशन, घर वगैरह मुझे मिल रहे हैं रहने के लिए, जॉब सिक्योरिटी है, मुझे गारंटी है कुछ भी हो जाए मेरी नौकरी नहीं जाएगी, उसके बाद मुझे टाइम भी मिलता है अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए, तो ऑब्वियसली इधर मेरे पास इनकम भी है विच इज़ द मटेरियलिस्टिक पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, एंड दीज आर दी गोल्स जो मुझे चाहिए थे इनकम के साथ साथ, ठीक है ना। देयरफॉर दिस इज द नॉन मटेरियलिस्टिक पार्ट। तो मेरे डेवलपमेंट क्या है मेरे हिसाब से, जॉब टू, तो मैं एनी डे जॉब वन से पहले जॉब टू को प्रेफर करूंगी, क्योंकि यहाँ मेरी डेवलपमेंट की मीनिंग पूरी फुलफिल करती है ये जॉब, ओके। देयरफॉर एक कंक्लूजन निकल के आता है, डेवलपमेंट इज व्हाट, इट इज अ मिक्स ऑफ गोल्स, मतलब डेवलपमेंट जो है एक मिक्सचर है किन गोल्स की, मटेरियलिस्टिक गोल्स एंड नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स, ओके, दैट पीपल लुक फॉर, जिनके लिए लोग देखते हैं, जिनके लोग चाह रखते हैं कि हमें ये ऐसा मिक्स ऑफ गोल्स मिल जाए जिससे हमारी डेवलपमेंट हो सके, जिससे हमारा विकास हो सके, ओके गो, ओके। अभी तक हमने पढ़ा है कि डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, विकास क्या है, ओके, इन टर्म्स ऑफ अ कंट्री एंड इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल हमने डिस्कस किया अभी। अब हम बात करेंगे नेशनल डेवलपमेंट की, ओके। जो अगर जब हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम किसी कंट्री की बात करते हैं, किसी देश की बात करते हैं, तो हियर अगेन नोशन रिगार्डिंग द डेवलपमेंट और द व्यूज रिगार्डिंग द डेवलपमेंट कैन डिफर, अलग हो सकते हैं यहाँ भी, ओके। अब हम पढ़ाई करेंगे हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है ना। जब हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डिफरेंट कंट्रीज को हम कैसे कंपेयर करेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई क्लास है, ओके, हर क्लास को सेक्शन वाइज डिवाइड किया हुआ है, उसके अंदर नंबर ऑफ, हम अगर हमें किसी एक सेक्शन के बारे में पढ़ाई करनी है तो हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं उसमें, एवरेज हाइट क्या है बच्चों की, हेल्थ कैसी रहती है बच्चों की, ज़्यादा बीमार रहने वाले बच्चे हैं कि नहीं, कितने टैलेंटेड बच्चे एक सेक्शन में हैं, इस सेक्शन का इंटरेस्ट क्या है, सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पसंद करते हैं, कौन से गेम में इनका इंटरेस्ट है, तो दीज आर सम द फैक्टर्स जो हम किसी भी क्लास की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करने के लिए हम फाइंड आउट करेंगे, ओके। सो सिमिलरली जब हम किसी नेशन की बात करते हैं तो हम कुछ सेम इंडिकेटर्स ही लेते हैं जिससे हम उनको कंपेयर कर सकें। नाउ वी विल डिस्कस द वेरियस इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर या जो हमारा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है हमारे नेशनल डेवलपमेंट को कंपेयर करने के लिए, वो क्या है, इनकम, ठीक है। छोटी सी बात है ये, तो तुम सबने सुना होगा, अगर हायर इनकम है किसी भी नेशन की या कंट्री में या देश में, ज़्यादा इनकम है लोगों की, तो उस देश को हम डेवलप्ड कंट्री या डेवलप्ड नेशन कैटेगराइज करते हैं। अगर वहाँ के लोगों की इनकम कम है तो हम उसको लेस डेवलप्ड नेशन बोलते हैं। जब हम इनकम की बात करते हैं गाइज, ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर, हम कभी भी टोटल इनकम की बात नहीं करते, वी ऑलवेज टेक एवरेज इनकम टू कंपेयर द नेशंस, एवरेज इनकम निकालते हैं, एवरेज इनकम की बेसिस पे हम कंपेयर करते हैं, ओके। जब मैं बोलती हूँ एवरेज इनकम क्या है, टोटल इनकम ऑफ द पीपल इन द कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन, ऑन एन एवरेज इनकम की बात करेंगे तो दिस इज द फॉर्मूला। नाउ एवरेज इनकम को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन वेरी केयरफुली, ओके, एवरेज इनकम को हम और क्या बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पर कैपिटा इनकम। दिस वाई हियर आई हैव यूज्ड फॉर इनकम, वाई इज यूज्ड फॉर इनकम, आई एम रिपीटिंग गाइज, डू नॉट गेट कन्फ्यूज,
वाई को मैंने इनकम की जगह यूज किया है. ओके तो एवरेज इनकम को हम क्या बोलते हैं? पर कैपिटा इनकम. ओके आई एम रिपीटिंग द फॉर्मूला. एवरेज इनकम क्या फॉर्मूला क्या होता है? टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन. ओके गाइज नाउ लेट्स डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ योर एग्जामिनेशन, जो कि आता ही आता है. मतलब 90% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में. ओके सो लिसन टू दिस एक्सप्लेनेशन वेरी केयरफुली. क्वेश्चन है व्हाई एवरेज इनकम कॉन्सेप्ट इज यूजफुल फॉर कंपैरिजन एंड टोटल इनकम कॉन्सेप्ट इज नॉट. ठीक है ना, ये पूछ रहा है. हम तब कंपैरिजन करते हैं नेशंस का या नेशनल डेवलपमेंट को जब कंपेयर करते हैं, तो हम एवरेज इनकम के कॉन्सेप्ट क्यों यूज करते हैं और टोटल इनकम के कॉन्सेप्ट को क्यों यूज नहीं करते. इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल. जब इलस्ट्रेट या एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल होता है, मेक श्योर यू गाइज गिव इन एग्जाम्पल. अगर फुल मार्क्स स्कोर करने हैं तो कोई भी पार्ट क्वेश्चन का छोड़ना नहीं है. अगर ये बोल रहा है एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो, तो डू इट विद द एग्जाम्पल. नाउ विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन यूजिंग एन इलस्ट्रेशन. ओके इलस्ट्रेशन क्या, एक एग्जाम्पल लेंगे कि एवरेज इनकम क्यों बेटर है. ओके तो हम दो कंट्रीज एज्यूम करेंगे, कंट्री ए एंड बी. जब मैं बोलती हूँ अजम्पशन, अजम्पशन इन इकोनॉमिक्स क्या है, जब हम अजम्पशंस की बात करते हैं इकोनॉमिक्स में, तो वो चीज़ें होती हैं जिसको हम एज्यूम करते हैं, ऐसे सोचते हैं कि ऐसा होगा. क्यों? ताकि हम उस थियोरी को, इकोनॉमिक थियोरी को हम वेरीफाई कर सकें. ओके क्योंकि यहाँ इस एग्जाम्पल में हम लेंगे अजम्पशन, क्या एज्यूम करेंगे, क्या हम सोचेंगे कि दोनों कंट्री में सिर्फ 5 सिटीजन्स ही हैं. ठीक है, 5 लोग ही रहते हैं. इज इट पॉसिबल? नो. देयरफॉर ये अजम्पशन हुई, ठीक है, जो ट्रू नहीं है. लेकिन टू एक्सप्लेन अ क्वेश्चन और अ थियोरी इन इकोनॉमिक्स, हम उसको ऐसा लेंगे. ठीक है, उसको अजम्पशन बोलते हैं. तो हमने क्या अजम्पशन ली कि सिर्फ 5 सिटीजन्स ही रहते हैं. तो टेबल ए एंड बी, तो टेबल ए जो है, टेबल में जो ए पार्ट है वो हमारा कंट्री ए की इनकम दिखाता है, मंथली इनकम 5 सिटीजन की. ओके और बी वाले कॉलम में हमें कंट्री बी की 5 सिटीजन की इनकम पता चलती है, मंथली इनकम. ओके कंट्री बी की तब हम पहले बात करेंगे, यहां इनकम कम है. पहला इंसान भी 500 कमा रहा है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, लेकिन सिर्फ जो फिफ्थ वाले सिटीजन है उसकी इनकम इज 48,000. ओके तो हम अज्यूम करते हैं, क्या पता है इसे कोई लॉटरी खरीदी हो या ये वैसे ही रिच है, इसलिए इसकी इनकम ज्यादा है. ओके अगर हम इस पूरे नेशन को कंपेयर करें तो सिर्फ 5 में से एक ही है जिसके पास इनकम ज्यादा है. लेकिन जब हम कंट्री ए की बात करेंगे तो कंट्री ए में सबकी डिसेंट इनकम है. ओके कोई भी रिच नहीं है, कोई भी पुअर नहीं है, सबके पास इनफ इनकम है ताकि उनका घर चल सके. ठीक है, जैसे एक 1 की भी ठीक है, 2 की भी ठीक है, 3, 4, 5 ऑल आर अराउंड द सेम इनकम. ओके तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सी नेशन में आप रहोगे, ए या बी, तो ऑब्वियसली एनी वन ऑफ अस विल प्रेफर नेशन 1. क्यों? क्योंकि यहाँ इक्वालिटी ऑफ इनकम है. जब हम कंट्री ए की बात करते हैं, क्यों हम कंट्री ए को प्रेफर करेंगे, व्हाई? बिकॉज ज्यादा इक्विटेबल इनकम है, सब लोगों के पास ऑलमोस्ट बराबर से इनकम है. कोई भी यहाँ नीदर रिच है नॉर पुअर है, कोई रिच और पुअर का कॉन्सेप्ट नहीं है. लेकिन जब हम कंट्री बी में देखेंगे, वन इज एक्सट्रीमली रिच एंड अदर्स आर नॉट. ठीक है, एक के पास बहुत पैसा है, बाकियों के पास मतलब जिंदगी गुजारने के लिए भी पैसे नहीं है, विच इज 500 पर मंथ इनकम. ओके विच इज टू लो. तो यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट, कंट्री ए में कोई रिच या पुअर का कॉन्सेप्ट नहीं है, देयरफॉर ऑल आर इक्वल, सब सेम पेज पे हैं. ओके बट व्हेन वी टॉक अबाउट कंट्री बी, कंट्री बी के अंदर क्या है, रिच और पुअर एग्जिस्ट करते हैं. ओके तो यहाँ रिच है और पुअर भी है, एक के पास बहुत पैसा है, दूसरों के पास नहीं है. ओके नाउ विल सी, देयरफॉर इससे पता चलता है एवरेज इनकम इज यूजफुल फॉर कंपैरिजन. व्हाई? अब हम डिस्कस करेंगे कि हम टोटल इनकम को क्यों नहीं कंसिडर करते हैं इनकम की कंपैरिजन के अंदर. ओके जब हम टोटल इनकम की बात करते हैं तो उसके अंदर हम इंडिविजुअल की टोटल इनकम प्लस कर देते हैं. ओके टोटल क्या होता है, सिंपल, उनको सम अप करना. लेकिन हर कंट्री क्या है, अलग है, साइज में अलग है, पॉपुलेशन अलग है हर कंट्री की. देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल टू कंपेयर ऑल द कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इनकम क्राइटेरिया. ठीक है, इसलिए हम हमेशा एवरेज इनकम का क्राइटेरिया लेते हैं. एवरेज इनकम का क्राइटेरिया क्या है, यू गाइज नीड टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन द फॉर्मूला ऑफ एवरेज इनकम. ओके
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिमिटेशन ऑफ एवरेज इनकम. वो क्वेश्चन वहां कंप्लीट हो गया है, लेकिन अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ एवरेज इनकम, या एवरेज इनकम की क्या कुछ एक खामियां हैं जो एवरेज इनकम के अंदर है, इस फॉर्मूले के अंदर. ओके, सो हम बात करेंगे इसकी लिमिटेशंस की. ओके, तो नंबर वन थिंग इज इट हाइड्स द डिस्पैरिटीज एंड ऑल्सो डिड नॉट टॉक अबाउट हाउ द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड. अगर आप इस फॉर्मूले को, ऊपर वाली टेबल को कैलकुलेट करोगे तो दोनों कंट्रीज की एवरेज सेम आएगी, 10,000 10,000. ओके, इससे हमें ये तो पता चलता है कि एवरेज इनकम भाई कंपेयर करने के लिए ठीक है, लेकिन वो ये बात नहीं बताता कि इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट की गई है. ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड, हाउ द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल और इन द नेशन. डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं करता है एवरेज इनकम. दिस इज द लिमिटेशन ऑफ एवरेज इनकम. आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज गाइज मेमोराइज इट. ओके, सो पहला ये पॉइंट बोलता है वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक क्या? इट इज एन इंटरनेशनल बॉडी जो हमें लोन्स वगैरह देती है. ओके, तो वर्ल्ड बैंक हमें एक रिपोर्ट निकालता है विच इज कॉल्ड वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसके अंदर ये बताता है कि डिफरेंट नेशंस को क्लासीफाई करता है कि कौन कितना डेवलप्ड है, लेस डेवलप्ड है, डेवलपिंग है कि अंडर डेवलप्ड है. ओके, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हु गिव्स यू द रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट? इट्स वर्ल्ड बैंक. ओके, इट इज एन विच क्लासीफाई द नेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट. नाउ वी टॉक अबाउट वर्ल्ड बैंक. ओके, वर्ल्ड बैंक बोलता है दिस डेटा इज अकॉर्डिंग टू एज पर 2001. ओके, वर्ल्ड बैंक क्लासीफाई करता है विथ एंड अबव इनकम ऑफ 4,53,000 पर कैपिटा इनकम है तो दैट इज हाई इनकम नेशन और रिच कंट्रीज, और जिन कंट्रीज की हमारी विद एंड लेस देन 37,000 पर कैपिटा इनकम है दीज आर अवर लो इनकम नेशन और पुअर कंट्रीज. ओके, नाउ आपको पता चल गया होगा कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहां से आती है हमारी, इट कम्स फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक. ओके, नाउ यू गाइज नीड टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन दीज टू क्वेश्चंस. First, you have to give the example of high income nation and low income nation. And second question is, what is the status of India? Is India a developed country, underdeveloped country, less developed country or developing nation? Guys, please make sure you guys comment in the comment section all the questions that I have asked in this video. Also guys, do not forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.